ओम ज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुत पद कमलां श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। राधा कांत नमोस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। जय गोपाल। आइए मेरे बहन भाइयों सत्संग प्रेमीजनों, स्वागत है आपका श्रीमद् भागवत गीता के इस सत्संग में। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रियतः पुमान विष्णोः पदम एवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। आइए भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरयेत् नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम शांति शांति शांति। जय गोपाल। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 19। भगवान श्री कृष्ण अपनी शिष्य अर्जुन को उपदेश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्येक गुरु अपने शिष्य को पारंगत करता है, हर बात में दक्ष करता है, हर कला में ऐसा पारंगत करता है कि वह पवित्र हो जाता है सभी दिशाओं से और उस परम पवित्र को प्राप्त कर लेता है, यानी कि भगवान को। भगवान श्री कृष्ण ने पहले बोला कि चार प्रकार के भक्त मेरी शरण में आते हैं और चार प्रकार के जन मेरी शरण में नहीं आते, ना मुझे पहचानते, कोई लेना देना ही नहीं है कौन भगवान।
तो आश्रय वृत्ति से जीते हैं। भगवान ने कहा कि नैमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञानः आसुरं भावम आश्रिता। चार प्रकार के व्यक्ति जो एक तो असुर राक्षसी स्वभाव के होते हैं, एक बुरे कर्म करने वाले होते हैं दुष्कृतिनो नीच कर्म करने वाले, एक मूढ़ा यानी अनकॉन्शियस ब्लाइंड मैन मूर्ख लोग। नैमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, और नरों में जो अधम है अति नीच है वो भी। ये भगवान कहते हैं ये मुझे नहीं भजते, ये मेरी सेवा में नहीं आते, ये मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। और चार प्रकार के मेरे भक्त हैं वो मेरी शरण में आते हैं, आरती जिज्ञास आरती अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च वर्तर सभा। तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानीनो अत्यर्थम अहम सहच मम प्रियः। आज के सत्संग में भगवान कह रहे हैं कि चारों प्रकार के भक्तों में ज्ञानी भक्त जिसको पूर्ण ज्ञान है, जो तत्व से मुझे पहचानता है जानता है, मेरी शरण ले ली है और मेरी सेवा में लग गया है, ऐसा ज्ञानी भक्त मेरी आत्मा के तुल्य है, मेरे हृदय में वास करता है। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान ने आज के सत्संग में 19वें श्लोक में कहा है कि बहुनाम जन्म नामंते, सभी प्राणियों के जन्म यहां पर बहुत जन्म होते हैं, आप में से कोई भी हो सभी के करोड़ों जन्म हो चुके, कभी इस पृथ्वी पर, कभी ऊपर के लोकों में, कभी नीचे के लोकों में, कभी छोटे कीट पतंगों में, कभी जानवरों में, पशुओं में, पक्षियों में, जलचरों में, कभी बानरों में, कभी नरों में, नारियों में, कभी सुरों में, सुंदरियों में, अप्सराओं में, असुरों में, दानवों में, दैत्यों में, प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपनी अपनी कॉन्शियस के अनुसार, भावना के अनुसार अनेकों जन्म होते हैं। चौरासी लाख योनि है, कहते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियों में से निकलकर ही मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। आज तो वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि कभी ये मनुष्य जेलीफिश था। डार्विन के सिद्धांत में जाएं तो डार्विन ने तो कहा कि ये बंदर था, बंदर से जो है सुधार होता होता आज ये मनुष्य जैसा बना है। लेकिन जेलीफिश वाली बात भी फिटी होती है, और हमारा एक मां की चोटी से बबल्स में शरीर धारण करना क्या जेलीफिश से बड़ा है? छोटा सा बबल्स की तरह हम होते हैं, बिल्कुल माइन्यूट। लेकिन जो जो मां के गर्भ में बच्चा पलता है, थोड़ा बड़ा होता है, विकसित होता है, हाथ पांव सर आंखें निकलती हैं,
सात महीने में कुल बनाने लगता है, बाहर आने की चेष्टा करता है, मार्ग नहीं मिलता। लेकिन प्रकृति ने अपने सिद्धांत बनाए, क्योंकि मार्ग मिले तो भी प्रकृति नहीं आने दे तब तक जब तक कि वो अपना शरीर पूरी तरह से धारण न कर ले, पूर्ण रूप से तैयार न हो जाए। तो नौ महीने में और दस महीने के बीच में परिपक्व होके बालक स्वतः ही अपना सर नीचे को कर लेता है, आने की तैयारी करता है अंधेरी टनल में होकर के। गुप्त अंधेरा होता है, भयभीत होता है, सर भी नीचे को होता है और यह भी पता नहीं कहां जाके गिरेगा। इस समय कॉन्शियस में होता है, होश में होता है बच्चा, इसलिए बड़ा भयभीत होता है, दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद जाती हैं, अंधेरा है और सर भी नीचे को लटक गया। पहले तो ऊपर पांव नीचे थे, सर ऊपर, लेकिन आने के समय तो ये दो चार दिन पहले से सर उल्टा लटक गया। भयभीत होता है, भय से मुट्ठियां बन जाती हैं और वही कारण है कि बच्चा बाहर आकर के सबसे पहले रोना शुरू करता है। जैसे ही उसके मुख को क्लीन किया जाता है सबसे पहले वो रोता है भयभीत होके। लेकिन मां का हृदय है, मां है, अपनी सीने से चिपका लेती है, दूध पिलाती है। सिसकियां आती हैं कई दिनों तक बच्चे को, उस भय के कारण। और पिछला भी भय साथ में लिए हुए है, पिछले जन्म में जो मृत्यु का भय था वो भी उसके हृदय में समाहित है। लेकिन कभी कभी सत्कर्म भी किए हैं पिछले जन्म में, तो कभी हंसता भी है अनायास ही। एक महीने का बच्चा एकदम से ऐसी हंसी हंसेगा, परमहंस क्या हंसेंगे ऐसी हंसी, बड़ी निर्मल कोमल हंसी। तो आज हम मनुष्य है, मनुष्य की योनि में है और न जाने कितने जन्म इस मनुष्य की योनि में निकल रहे हैं हमारे। दस जन्म बीत गए या सौ जन्म बीत गए या उससे भी अधिक बीत गए। भीष्म पिता में है, कुरुक्षेत्र के मैदान में बाणों की सैया पर लेटा हुआ था। छह महीने हो गए थे, सूर्य उत्तरायण को आना प्रारंभ हो गए, तो भीष्म पिता मैंने प्रतिज्ञा की थी कि सूर्य उत्तरायण में होगा तभी मैं शरीर त्यागूंगा, इससे मेरी गति अच्छी होगी। दक्षिणायन में सूर्य होगा तो मेरी गति अच्छी नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज पांडवों को बोला कि युधिष्ठिर तुम्हारे बाबा आज शरीर त्यागने की तैयारी कर रहे हैं, चलो उनसे चलकर मिल लें, आज उनका आखिरी दिन है। पांचों पांडवों को लेकर भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह ने जैसे ही भगवान के दर्शन किए उनके मुख से यही निकला कि श्री कृष्ण मैं आपको उसी सारथी के वेश में देखना चाहता हूं जब सिंह की तरह रथ से जंप मार करके तुमने रथ के निकले हुए पहिए को अपनी उंगली में धारण कर लिया था मुझे मारने के लिए। वो तो अर्जुन ने आपका पांव पकड़ लिया कि भगवान आपने शपथ खाई है कि इस महाभारत में मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा, ये आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने भी कहा था कि बस श्री कृष्ण बस रहने दो, मुझे तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़वानी थी, सो प्रतिज्ञा टूट गई है, मुझे आप उसी रूप में दर्शन दीजिए। वो रूप मेरे दिल में इतना भर गया है, मेरे हृदय में मेरे रोम रोम में वो समाहित हो गया है, जब आप केहरी की तरह जंप मार करके और रथ के पहिए को, गिरे हुए पहिए को उंगली में धारण किया था, वो वीर रूप में मुझे दर्शन दीजिए जिससे मेरी अगली यात्रा प्रारंभ करूं।
भगवान श्री कृष्ण ने उसी रूप में उनको दर्शन दिए। लेकिन भीष्म पिता मैंने एक प्रश्न भी किया कि हे कृष्ण, अब मैं एक प्रश्न और मेरे हृदय में है, अंतिम प्रश्न, उसका भी जवाब दे दीजिए। मैंने कौन से ऐसे कर्म किए हैं जिनसे मैं 6 महीने तक ये बाणों की सैया पर, सेज पर लेटा हुआ हूं, रक्त बह रहा है, शरीर कांटा हो गया है, इन कांटों में पड़े पड़े, कौन सा ऐसा मैंने जघन्य अपराध किया है प्रभु, ये मुझे आप। मैंने ध्यान लगाकर देखा है कि मेरे 100 जन्मों में, पिछले 100 जन्मों में भी मैंने कोई ऐसा जघन्य अपराध नहीं किया, मैंने कोई अपराध किया ही नहीं कि मुझे इतनी बड़ी कठोर सजा मिले, 6 महीने तक ये बाणों के ऊपर लेटा हुआ हूं, इतनी बेदर्दी से वीरों ने मुझे बाण मारे हैं, अर्जुन ने तुम्हारे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने 100 जन्मों में कुछ नहीं किया, लेकिन आप फिर से ध्यान लगाकर देखो कि 101वें जन्म में जाके देखो कि आप क्या कर रहे हैं। तो भीष्म पिता मैंने कहा कि ठीक है, मैं जाने की कोशिश करता हूं। ध्यान लगाया, कहने लगे कि तो क्या हुआ कृष्ण, 101वें जन्म में मैं छोटा बालक हूं, घुटनों के बल चलता हुआ, मेरे हाथ में एक सुई आ गई कहीं से और मैं जमीन पर चलती हुई चींटियों को उस सुई में चुभो रहा हूं, मुझे तो मालूम नहीं है कि ये कोई अपराध है, मैं तो बालक हूं उस समय, छोटा सा, इसकी भी मुझे सजा मिल रही है। भगवान कहते हैं कि जाने में अनजाने में आदमी जो भी कुछ करता है उसकी सजा मिलती है, उसका फल उसको चखना पड़ता है, अच्छा करता है अच्छा फल आता है, बुरा करता है बुरा आता है, जाने में या अनजाने में। बिजली के तार को कोई चलाकर नहीं छूता, लेकिन बिजली के काम करने वालों को या किसी को भी कभी भी करंट लग जाता है, अनजाने में हो गया, लेकिन करंट तो लगा, झटका तो लगा, मृत्यु भी घटित हुई है, हो जाती है। जाने में या अनजाने में जो कर्तव्य किए जाते हैं उनका रिएक्शन, प्रतिफल आता ही है। तो आपने वो अनजाने में बालक अवस्था में किया, लेकिन निर्दोष चींटियों को आप सुई में चुभो रहे चुभो रहे, कितनी चींटियों के सुई चुभोई, मार डाला उनको बेचारियों, वो भी एक जीव आत्मा है, इसका भी रिएक्शन आता है भीष्म पिता में। धन्य हो केशव, आपकी लीला को कोई नहीं समझ सकता, अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं जाना चाहता हूं। भीष्म पिता में चले गए शरीर त्याग करके। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। हे अर्जुन, ऐसा महात्मा मिलना बड़ा दुर्लभ है जो सर्वत्र मुझ वासुदेव के दर्शन करता है। ये रियलाइजेशन, ये साक्षात्कार हो गया जिसको कि वो मेरी मौजूदगी प्रत्येक जगह देखता है। बहु नाम जन्म नाम, बहुत जन्मों के बाद, करोड़ों जन्म, तो हो सक, जब भीष्म पिता में 101वें जन्म में जाकर देख रहे हैं इतने भगवान के भक्त, महान भक्त, भगवान श्री कृष्ण को भीष्म पिता में बहुत प्राणों से भी प्यारे समझते थे सदैव, कृष्ण की बात को कभी नहीं काटते थे,
वो जानते थे कि कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं है, लेकिन उनको पूर्ण जानकारी भी नहीं हो पाती थी कि ये स्वयं नारायण है। लेकिन मनुष्यों से अति ऊंचे स्तर पर उनको जरूर देखते थे, उनकी बात को कभी काटते नहीं थे। हम में से, आप में से न जाने 100 जन्म हम मनुष्य बने या 1000 जन्म बने, जैसे चित्रकेतु के बेटे कह रहे हैं कि पिताजी मुझे बेटा मत कहिए, मैंने शरीर से निकल करके अपने 1000 जन्मों को देखा है, 1000 जन्मों में 1000 पिताजी मुझे 1000 लोगों ने मुझे बेटा बेटा कहा और मैंने भी उन्हें पिताजी पिताजी कहा। अभी तो मुझे स्पष्ट हो गया कि आप मेरे पिता नहीं हैं और मैं आपका बेटा नहीं हूं, ये तो जान पहचान पूर्ण नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है। मैं तो भगवान श्री कृष्ण का बेटा हूं, उस परमात्मा परमेश्वर का बेटा हूं, आप भी उन्हीं के बेटे हैं, हम दोनों उन्हीं के अंश हैं, आप मेरे पिता नहीं हैं और मैं आपका बेटा नहीं हूं, ये तो हमको भ्रम हो गया है। इस भ्रमवश आप मेरे में आसक्त हो रहे हैं, रो रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं कि मेरा बेटा मर गया, बेटा मर गया। नारद जी की कृपा से मैं वापस आया इस शरीर के अंदर, लेकिन मैंने 1000 जन्म देखे मेरे पिछले 1000। ऐसी और भी अनेकों कथाएं शास्त्रों में, पुराणों में। तो मनुष्य के शरीर में ही गर्भ रहस्य उपनिषद में भी ये बात आती है, कहते हैं कि बच्चा मां के गर्भ में जब 7वें महीने में प्रवेश करता है तब परमात्मा शक्ति एंटर होती है उस बच्चे के हृदय में, आत्मा के साथ परमात्मा रहते हैं। ये शरीर को यंत्रारूढ़ानी माया, ये माया से निर्मित शरीर को चलाने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, यदि वो आत्मा उनसे सलाह परामर्श करे तो उस समय गर्भरहस्य उपनिषद के अंदर ये प्रमाण है कि उस बच्चे को 7वें महीने में अपने पिछले 1000 जन्म दिखाई देते हैं और वो देखता है कि मैं 1000 माताओं का दूध पी रहा हूं। अब ये पूर्ण रूप से जानता है कि क्या कारण है कि बार बार मैं ये जन्म मरण जरा व्याधि इनमें पड़ता हूं, क्योंकि मैं उस वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को भूल गया, यही कारण है। यदि उनको मैं सतत याद करूं, चिंतन करूं, मनन करूं, उनको उनकी शरण में रहूं, उनकी सेवा में रहूं, तो अंत समय में वही मेरी स्मृति में छाए रहेंगे, तो निश्चित ही मैं उनको प्राप्त कर लूंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा इस संसार से, जन्म मरण जरा व्याधि से। तो संकल्प करके बैठता है और जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तब वो संकल्प के साथ ही बाहर निकलता है मां के गर्भ से। लेकिन भगवान की तो इल्यूजरी पोटेंसी माया देवी जैसे ही बच्चा बाहर आता है पिछला जन्म भुला देती है, ये पवन का फटकारा सब कुछ भुला देता है। ये भी अच्छा है, अगर ऐसा नहीं हो और किसी व्यक्ति को अपने पिछले जन्म 2-3 जन्म भी दिखाई दे जाए तो शायद पागल हो जाए। जिसको आज पत्नी कह रहे हैं ना जाने पिछले जन्म में वो किस रिश्ते से रही हो, जरूरी नहीं कि पत्नी बन के रही हो, क्या पता मित्र बन के रही हो, बहन बन के रही हो, किस रूप से आत्मा आत्मा का प्रेम होने से आज ये पत्नी बनी हुई है, मुझे मिल गई वापिस। या कभी 3 जन्म पहले जिस
पुरुष ने आग जला के मारा था, जला दिया था अपनी पत्नी को, वो आज बेटी बन के आई है, बहन बन के आई है, किस रूप से आई है मालूम नहीं चल सकता। मालूम चल जाए तो आदमी पागल हो जाएगा, जीना दूभर हो जाएगा।